अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। मुहूर्त का समय हो गया है, वरवधु को बुला लीजिए, सगाई की रस्म शुरू करते हैं। दीदी उठ जाइए, आपका फोन कब से बज रहा है? क्या हुआ? पार्थ, यार दीदी थोड़ी सी अपनी लाइफ भी सपनों से निकलकर रियल में जी लीजिए। कब से आपका फोन बज रहा है, देखिए ना कौन है। हेलो, क्या क्या हुआ दीदी? शर्म नहीं आई तुम इतनी घटिया हरकत करते हुए? इतने शरीफ और भरे पूरे परिवार में यह हरकत हो रही है लड़कियों के साथ? अरे ये क्या कर दिया हमने? तुम्हारी अपनी बहन है साहिल, फिर भी तुम्हारी नजर में लड़कियों की यही इज्जत है? हाँ, कितना गंदा और धोखोड़ी का दिमाग है तुम्हारा। ओह देखो तो हमें ज्ञान कौन दे रहा है जो खुद 7 साल जेल की हवा काट। बकवास बंद करो, औरतों की इज्जत करते हैं हम, अपनी मर्यादा पता है हमें। जो तुमने हरकत की है ना, वो करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अरे अपना नहीं तो कम से कम हमारे परिवार का, उनके संस्कारों का ख्याल रखते। अरे ये सब बातें ना आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, खुद तो अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करके बैठे हो। हाँ, 100 चूहे खाके बिल्ली हवन कर। हमारी गलतियां गिनवा कर अपनी घटिया हरकतों को जस्टिफाई मत करो साहिल।
पूरे परिवार की इज्जत का ठेका हमने ले रखा है क्या? जब अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था तो अखबार में क्या ठाकुर खानदान की वाहवाही हो रही थी? हाँ, लोग गुलदस्ते लेके आ रहे थे, तारीफ कर रहे थे कि भाई वाह, ठाकुर साहब के बेटे ने तो अपनी गर्लफ्रेंड को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। अगर आज के बाद किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और एक बात बता दें, बात जब उसूलों की या औरतों की इज्जत की हो ना, तो पार्थ ठाकुर अपनी हद में नहीं रहता। और ये बात डाल लो। साहिल ठाकुर पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की पार्थ? इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। छोड़ेंगे तो हम भी नहीं। अब तुम्हें अपने जेल जाने का पछतावा तुम्हें हो ना हो, साहिल ठाकुर पे हाथ उठाने का पछतावा तुम्हें होगा। मीरा बेटा, हमें मीरा को पूछना ही होगा कि वो इस शादी के लिए मान कैसे गई। बेटा तुम आ गई, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जी दादी, प्रणाम। सुखी रहो। क्या हुआ, क्या बात है, आप क्यों इंतजार कर रही थी हमारा? हमें तुमसे बात करनी है दादी। वो घर सर का कुछ बहुत जरूरी काम है, हम बस वो कंप्लीट करके आपसे अच्छे से बात करते हैं। क्या हो गया दादी, आप ठीक है ना? आप बहुत परेशान लग रही हैं। देखो, बहुत जरूरी बात है, गर्व से बाद में बात कर लेना। मीरा, अच्छा हो तुम यहीं मिल गई। हम ऑफिस का काम यहीं निपटा लेते हैं, फिर हमें कहीं और भी जाना है। जी सर। दादी, हम एक बार सर का काम कंप्लीट कर लें, हम आते हैं अच्छे से आपसे बात करेंगे। हाँ जी सर। और ये क्वेरीज हैं जो तुमने पूछी थी। इकाना जी, सब क्या हो रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गठबंधन तो उनके साथ ही होता है ना जी, जिनके बीच में प्यार होता है। और प्यार तो हमने मीरा की आंखों में देखा है पार्थ के लिए। अगर मीरा और गर्व की शादी हो गई तो हमारे तीनों बच्चे कभी खुश नहीं हो पाएंगे। हमारे बच्चों को बर्बाद होने से बचा लो प्रभु। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। ये झुमका पहन के बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। जिसके लिए पहने वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। आप बोलो।
अलविदा पार्थ, अब सीधा नरक में जाके करना बात। पता चलेगा साहिल ठाकुर से उलझने का अंजाम क्या होता है, अभी बताता हूं। मर्डर करके उसी की तरह जेल में सड़ना चाहता है? हाँ, हट हट हट, देख मुझे। अरे ये तो रुक ही नहीं रहा है। पार्थ बेटा, एक सेकंड। जी माँ, बोलिए। कान्हा जी, अब तो कोई चमत्कार दिखा दो। यहां से चल। मीरा, तुम ठीक हो? बेटा उठो। वाह, क्या किस्मत है इसकी, बाल बाल बच गया। तुम ठीक हो? हम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं। तुम ठीक हो? हम ठीक हैं, आप ठीक हैं? पार्थ को बचाने के लिए मीरा ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। हे कान्हा जी, आपने हमें ये तो बता दिया कि मीरा सिर्फ पार्थ से प्यार करती है। ऐसे में हमें लगता नहीं है कि मीरा को इस बात की भनक भी है कि उसकी शादी पार्थ से नहीं गर्व से हो रही है। हमें उसे ये बात बतानी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि बात इतनी आगे बढ़ जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। इस बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कान्हा जी, जिसमें वो दुखी हो जाए। मेरा बेटा, ठीक हो तुम? आंटी, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप चिंता मत करिए। पता नहीं कैसी बला थी, ये तो भगवान का शुक्र है कि सही टाइम पर तुमने आके पार्थ की जान बचा ली। कान्हा जी की कृपा है, वो तुम्हारी उम्र लंबी करे। सही कह रही है माँ, मीरा नहीं होती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता।
अभी तो शादी भी नहीं हुई और तुम इस परिवार के लिए ढाल बन गई। अच्छा मेरा बेटा, अब तुम घर जाओ और आराम करो। तुम दोनों की सगाई है ना? अच्छा, ऐसे मौकों पर ना दुनिया वालों की नजर लगती रहती है। घर, तुम मीरा को घर छोड़कर आओ। शाम को सगाई है और तुमने इसे आज भी काम पर बुला लिया। माँ, बहुत जरूरी काम था, पर हम अभी गाड़ी लेके आते हैं और मीरा को छोड़ के आते हैं। पार्थ बेटा, तुम ठीक हो? हाँ माम, ठीक है। चोट तो इसे लगी है, वो भी मंगनी वाले दिन। थैंक यू। मीरा, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ दादी, हमें भी यही लग रहा है। देखिए ना, कितना बड़ा बड़ा हादसा होते हुए बचा। अगर पार्थ को कुछ हो जाता तो हम तो मर ही जाते। इसका मतलब मीरा पार्थ को चाहती है। भाभी, आपको दाल में कुछ काला नहीं दिख रहा? कैसी दाल, क्या काला? यही कि मीरा कैसे पार्थ की परवाह करती रहती है। मेरा मतलब ये है कि शादी वो गर्व से कर रही है, लेकिन बंदरिया बन के पार्क के आजू बाजू उछलती रहती है। क्या कहना चाह रही हो तुम? देखा नहीं आपने किस तरह से वो पार्क को बचा रही है? कोई तो खिचड़ी पक रही है क्या उसके दिमाग में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो बेटे और एक बहू बनना चाहती है वो? जी, कैसी फालतू बात कर रही हो तुम? मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि बस हम सब जानते हैं कि तुम्हारी भांजी के लिए हम गर्भ को मना नहीं पाए, इस बात का तुम्हें बुरा लगा है। देखो मंजू, हम ये नहीं कहते कि तुम्हारी भांजी में कोई कमी है, बस ये किस्मत की बात है और तुम भी ये समझ लो और स्वीकार कर लो। हम कुछ कहना चाहते हैं। बेटा मेरी बात सुनो। दादी, आप पहले हमारी बात सुनिए। ये तावीज है, ये मम्मी मंदिर से लेकर आई थी हमें मुसीबतों से बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। पर हमें लगता है हमसे ज्यादा पार्थ को इसकी जरूरत है। आप प्लीज इसे पार्थ को पहना दीजिए ताकि ये सब दोबारा ना हो। प्लीज दादी, वो हम पहना देंगे, पर हमारी बात सुनो। दादी, हम आपकी सारी बातें सुनेंगे, जिंदगी भर सुनेंगे, पर प्लीज पहले आप इसे पार्थ को पहना दीजिए। मीरा, समझने की कोशिश करो, तुम्हारी सगाई। मीरा, चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। दादी, ये पार्थ को प्लीज पहना दीजिएगा, प्लीज। चल पाओगी? हम ठीक हैं। ये कहना जी, अब आप भी कुछ करो। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि हम मीरा को सच्चाई कैसे बताएं, और अगर मीरा को नहीं बता पाए तो क्या करो कहना जी? दीदी, अब कितनी चोटें खाएंगी उस पार्क के लिए? क्या सच में वो इस लायक है भी? फिर वही बात, कहाँ है ना जीजू बुलाया करो उन्हें। अब जब हमें उनके लिए ही बनाया गया है तो हम सब कुछ उनके लिए तो करेंगे, और किसके लिए करेंगे? अगर आपको उनके लिए बनाया है तो उन्हें किसके लिए बनाया है? समझ में आया है कभी आपको? फिर तो प्यार में समझ नहीं, जुनून की जरूरत होती है। और अब तो कान्हा जी ने पार्थ को हमारे नाम कर दिया, हमारी शादी हो रही है उनसे। जैसे लोग सावित्री को सत्यवान के लिए याद करते हैं ना, वैसे ही मीरा को पार्थ के लिए याद करेंगे। इतिहास रच के दिखाएंगे हम, देख लेना तुम। दीदी, हमें तो ये चिंता है कि कहीं आप पागल खाने ना चली जाओ।
इतिहास रचने वाले हर इंसान को उसके आसपास के लोग पागल ही कहते हैं, लेकिन यही पागलपन उन्हें कुछ कर दिखाने का जज्बा देता है। और हम तो अपने पास के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अच्छा मम्मी नहीं दिखाई दे रही है, मम्मी कहाँ? मम्मी आपकी ससुराल गई है नारियल और पीले चावल लेकर शादी का न्योता देने। हेलो, हमारी बात ध्यान से सुनो। देखो तुम्हारी शादी घर से होने जा रही है। शीला तुम्हारे घर रिश्ता लेके आई थी, वो घर के लिए था, और हम समझ चुके हैं कि तुम इस बात से अनजान हो। चाहे कुछ भी हो जाए मीरा, ये शादी रोक दो, वरना तुम और पार्थ हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। हम जानते हैं तुम पार्थ के लिए और पार्थ तुम्हारे लिए बना है। अगर ये शादी हो गई ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई सुखी नहीं रह पाएगा।